बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, आज मैं रेसिपी बना रही हूँ आलू वाले पराठे। बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये बाज़ार में आलू आए हुए हैं, नए आलू आए हैं रेड कलर के, और देखते ही दिल करता है कि आप हम इनको आलू गोश्त बनाएं या आलू की सब्ज़ी बनाएं या आलू वाले पराठे बनाएं। तो आज फिर मैंने सोचा कि चलें आलू वाले पराठे बना लेते हैं। तो ये देखें, अब मैंने इसके लिए 1 किलो आलू लिए हैं। अब मैंने इनको बॉयल करना है जी पीपल्स। जितनी देर हमारे आलू बॉयल होते हैं, हम उतनी देर अपना ये जो है आटा ये तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप गंदम का आटा लिया है, इसको हम छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, गंदम का आटा हमने छान लिया है। अब हमने मैदा लिया, 1 कप गंदम का आटा लिया, 1 कप हमने मैदा लिया। अब हमने मैदे को भी छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, सुसरी वगैरह या कोई और चीज़। तो जी व्यूअर्स, ये देखें, मैदा और गंदम का आटा, ये दोनों चीज़ें मैंने छान ली हैं। तो अब हमने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून ऑयल, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून हमने नमक डालना है, और नीम गर्म पानी से हमने इसको गूंदना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीम गर्म पानी से हमने इसको गूंदना है आटे को। जी व्यूअर्स, थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमने आटे को इसका तैयार कर लेना है, ना ही इसकी डो सख्त हो ना ही नरम हो, फिर हमारे पराठे आलू के बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। आप अपने हिसाब से अगर डालडा घी लेना चाहें या देसी घी या फिर मक्खन, तो मैंने तो ऑयल ही डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। व्यूअर्स देखें, ये आलू मैंने बॉयल करके रख लिए हैं, उनको छील लिया है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हम मसाले डालेंगे इसमें। ये देखें, ये है 1 टेबलस्पून खुशक धनिया, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून है कुटा हुआ ज़ीरा, और 1/2 टेबलस्पून है नमक, 1 टीस्पून है अजवाइन, और 1 टीस्पून है हल्दी। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें डालूंगी मैं, ये देखें, 1 मैंने प्याज लिया, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, और ये है ग्रीन प्याज, ये लिया है मैंने, इसका इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आलू वाले पराठों में। और इसमें जाएगा, ये मैंने लिया थोड़ा सा पुदीना, इसकी बड़ी अच्छी इसमें खुशबू और टेस्ट आता है। ये है सब्ज़ मिर्च, छोटी छोटी मैंने 4 से 5 काट के रखी थी, ये डालेंगे इसमें। और ये है खुशक सब्ज़ धनिया, सब्ज़ धनिया मैंने ज़्यादा सारा लिया है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू और फ्लेवर होता है। और ये मैंने डाला है इसमें 2 लेमन जूस, इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अब हम इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, पिठी हमारी रेडी हो गई है। अब हम पेड़े बनाते हैं, जो आटा हमने गूंद के रखा था उसके। जी व्यूअर्स, ये आटा हमने जो गूंद के रखा था रेडी हो गया। तो अब हमने इनके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं इस तरीके से, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, क्योंकि 2 पेड़े हमारे ये हो जाएंगे, तो तीसरा वो हमने इसमें पिठी डालनी है आलू की, तो फिर रोटी हमारी बड़ी ना हो जाए, इसलिए हमने छोटे छोटे पेड़े लेने हैं इस तरीके से। छोटे छोटे पेड़े बना के हमने तो रख देने हैं सारे, ये देखें इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े हमने बनाने हैं।
से हमने छोटी छोटी रोटियाँ बेल के रख लेनी है सारी इकट्ठी, जैसे इकट्ठे हमने पेड़े किए हैं तो फिर हमने इसमें पिठी भर के ऐसे, अब हमने इसमें पिठी डालनी है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा चाहते हैं खाना तो ज़्यादा डाल लें, कम डालना चाहते हैं तो कम डाल लें। तो जितनी ज़्यादा पिठी होगी उतना ही टेस्टी हमारा पराठा बन के रेडी होगा। इसके ऊपर हमने हल्का सा लगा लेना है खुश्का ताकि रोटी हमारी फूल जाए इस तरीके से। इस तरीके से हमने हल्का हल्का चारों तरफ से दबा देना है। और फिर खुश्का लगाना है, फिर हमने अपनी रोटी बेलनी है गोल गोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत मज़े की बन के रेडी होगी। आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा। और ये जो आलू हैं बाज़ार में आए हुए नए वाले, इनको देख के तो दिल करता है कि बंदा रोज़ आलू बनाए। वैसे भी सर्दियों में आलूओं का राज ही होता है, वो हर सब्ज़ी में डलते हैं, मेथी गोभी और बाकी भी जो चीज़ें होती हैं सब्ज़ियाँ होती हैं सब में यही डलते हैं। देखिए रोटी हमारी आलू का पराठा तवे पे डाल दिया हमने। अब हम इसको घी लगा के व्यूअर्स, अब हम लगा रहे हैं ऑयल। आप देसी घी भी लगा सकते हैं, डालडा भी लगा सकते हैं और ऑयल भी लगा सकते हैं। जी व्यूअर्स देखें हमारा पराठा कितना अच्छे से कुरकुरा तैयार हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऐसे ही हम बाकी पराठे भी सारे रेडी करेंगे। देखें जी व्यूअर्स देखें कितनी अच्छी हमारे पराठे आलू के बन के रेडी हुए हैं, मज़ेदार क्रिस्पी और स्पाइसी। तो ये देखें मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही के साथ या आप पुदीने की चटनी बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत मज़ा आएगा, आप भी बनाइए मेरे तरीके से। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इन्जॉय करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।